भगवान लक्ष्मण ने भगवान मेघनाथ लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध कर दिया है। तुम्हें कौशला शीश प्रतापा संधान की निकल थापा छाड़ा पार माज सुन लागा मरति घर कपट समता जा। और लक्ष्मण के पुत्रों का तहना देख रहे हैं। पहले लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध कर दिया है। मेघनाथ धाराशाहियों के नीचे गिर रहा है। अब श्री राम रावण का वध करेंगे। बिल्कुल। और ये मेघनाथ का दहन हो चुका है। बस कुछ ही क्षणों के बाद जब रावण के पुतले को जलाया जाएगा एक भयंकर आवाज होगी असत्य की जो बाद में शांत हो जाएगी प्रभु श्री राम के बाणों से। और ये अग्नि प्रज्वलित हो गई है। जोरदार तालियां बजाकर बोलिए सियावर रामचंद्र की। रावण कुछ ही क्षणों में धड़धड़क कर चल उठेगा। हम हमारे महासचिव संजय सोमानी जी से अनुरोध करेंगे कि वो हमें आतिशबाजी का भी शुभारंभ करा दें। हमारे महासचिव संजय सोमानी जी, आज आप देखेंगे मालवा की भव्य आतिशबाजी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि यदि आप अभी खड़े हो गए हैं तो अपने स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि ऐसी आतिशबाजी पहले कभी न देखी होगी आपने। आकाश की आतिशबाजी। साधक एक नाभि सरदो का अपर लगे मुझ सिर पर रोसा ले सर बाहु चले नाराचा सिर पर झीन द्रुंड तर चापा धरल धरे धर थाप प्रचंडा तब सरहत पर सत कोई खंडा गरजऊ मरत मोर दरबारी कहा रायरन हतो पचारी। तो लीजिए रावण की नाभि में राम का तीर लगा और रावण जल जल कर धूमिल होता आपको दिख रहा है। असत्य पर सत्य की विजय हुई है। हमारे महान सचिव संजय सुमानी जी और उनकी जो टीम है पूरी की पूरी टीम है वो इस आतिशबाजी का करने के लिए जिनका इशारा हो चुका है हमारे अध्यक्ष Thank you.